अभी इस पतंग के अंदर मेरे को थोड़ी सी कमी लग रही है। क्या मैं आप सिर पे स्विच कर रहा हूँ? आप लोगों ने कहा था कि तूने वीडियो बनाई है चीपेस्ट काइट मार्केट के ऊपर, तो दिखा दे उड़ाना भी। सो ये सिखाऊंगा आज वाली वीडियो के अंदर कि कैसे उड़ाते हैं काइट। वैसे मैं क्या सिखाऊंगा, मैं तो खुद भी नहीं आता उड़ानी, तो उसके लिए मेरे सर है, तो आ जाओ सर। हाँ जी, तो ये सिखाएंगे आपको काइट उड़ाना कि कैसे उड़ाई जाती है काइट। तो भी कब से उड़ा रहे हो बताओ आप काइट? यार काइट उड़ाते मेरे को बहुत टाइम हो गया, मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हैं 20 साल हो चुके हैं। 20 साल? तो भी आप बताओ कहाँ पे करते थे काइट फ्लाइंग मेनली? भाई अपने घर की छत पे करता था, और पहले तो क्या होता था प्लॉट्स भी खाली होते थे तो हाँ गलियों में से भी उड़ा देते थे। एंड मेनली आज तो जरूरत है मेन एयर, क्योंकि अगर हवा नहीं आएगी तो काइट उड़ेगी नहीं। एंड उसके लिए मेन चीज ये मांझा भी होता है। तो भैया मांझे में अलग अलग वैरायटीज आती है ना? हाँ भाई मांझे में अलग अलग वैरायटी, एक ढील का आता है, एक खींचने का आता है, काइट से भी आती है बहुत सारी वैरायटी। तो देखा था पूरा आज का ब्लॉग, तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को एंजॉय करो। वेल सो व्हिच गाइस हैव ब्लॉग्स बैक हियर। अभी हम आपको सबसे पहला स्टेप होता है पतंग के अंदर कन्ने बांधना। तो कन्ने क्या होते हैं, जैसे कि घोड़ा होता है उसकी लगाम होती है, हम उसको हैंडल लगाम क्या होती है, लगाम जिससे हम उसको हैंडल करते हैं। अच्छा। लेफ्ट राइट। तो अब हम इसके कन्ने बांधेंगे। सबसे पहले हमारे को चाहिए होगा उसके लिए मांझा, और ये मांझा हमने लिया। कितना ज्यादा पड़ेगा मांझा? इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो डबल कर सकता है, नहीं तो ये और इसका कर तो एक मतलब बाजू का लेना है डबल। एक बाजू से थोड़ा ज्यादा ही ले लो। अगर बिल्कुल कोई न्यू बॉर्न बेबी है फिर पागल है तो वो पतंग नहीं उड़ाएंगे, उसका हाथ कट जाएगा। सच में इसको कुछ इस तरीके से हम डबल कर लेंगे। ये देखिए डबल कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। डबल करने का रीजन होता है कि अगर गलती से हमारी पतंग इससे पेचों में आ जाए तो हमारी नहीं कटेगी, उसकी कट जाएगी। इसको हम यहाँ से इस तरीके से अंदर डालेंगे। लेकिन भी एक बात है, अगर सपोज आपने ऐसा बताया था कि पतंग उड़ाने के लिए हवा जरूरी है, बट हम पे तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिससे हम बांध के उसको उड़ा सकते हैं पतंग को। पहुंच गए हैं इसके ऑलमोस्ट खत्म करने के लिए। यहाँ पे हमने इसको नॉट को कुछ इस तरीके से बांधना है, एक और ये दो, ये होगी हार्ड। अब ये हम पकड़ेंगे यहाँ पे इस तरीके से सेंटर लेना है। बहुत से बंदे अलग अलग तरीके से लेते हैं, कोई यूं ही ले लेते हैं, बट मेरा जो बड़ा सिंपल तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे लेके आओ, इसको यूं पकड़ लेना है, ठीक है, बीच से। हाँ कहीं से भी पकड़ो, ठीक है, क्योंकि जब मैं इसको सेंटर लूँगा ना तो मैं इस तरफ लेके जाऊँगा और मैं सीधा खींच के इस तरफ लेके जाऊँगा। तो जितना ये मेरा पोर्शन है ना, अब ये मेरे को सेंटर मिल गया इसका। बहुत ही सिंपल तरीका है और एक्सपर्ट वाला तरीका है। तो हम इसको ऐसे लेंगे और ये बांध दी हमने नॉट, तो ये बन गए हमारे कन्ने और पतंग हमारी फराटे मारेगी। आवाज देख लो, ऐसी आवाजें आएंगी जब उड़ जाएगी ना पतंग, ऐसी आवाजें। चलो आपको एक जलता मिलती है अब छत पे, एंड देखते हैं कि कैसा होता है। कब तक जा रही है, कब तक जा। A few moments later. गाइस अब आ चुका हूं फिलहाल मैं छत पे, एंड यहां पे आ चुके हैं विशाल भैया। क्या कर रहे हो भैया बताओ? भाई हम पतंग के कन्ने वन्ने सब आपने देख लिए, जैसे कि हमने नीचे सेट कर लिए थे, बिकॉज टाइम वेस्ट होता है ऊपर आके करने में और मजा थोड़ा ना लेट हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम पतंग को बांधेंगे मांझे के साथ। जो मांझा हमारा वो है पांडा 5 नंबर। आप पांडा को जानते हो? तू जानता पांडे को? नहीं। आई लव पांडा। सच में पतंग कहाँ भेजनी है भाई? उड़गी ना तो ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ पे आपको दिखेगी। अच्छा भैया सुनो, मैं आपको बताता हूँ उसको पतंग कहाँ भेजेंगे। नहीं, यहाँ से सीधी रोड है, मेरा एक दोस्त रहता है वहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा दोस्त है वो, रहता है वहाँ पे, उसके घर भेजेंगे। ठीक है, जो आपका बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है। मेरा भाई कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, सॉरी। अच्छा भैया वैसे आप अभी आते हो, किसको वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे? अरे यार वो फैमिली का फोन आया था। ये देख दोबारा आ गया, देखो देखो किसका आया। अरे नंबर भी आता है इसमें, मॉम का आ रहा है यूएस से। देख लो, ये मेरी मॉम का कॉल आ रहा है यूएस से, और ये हमने उठा लिया। हेलो। हाँ जी, बढ़िया है आंटी। शाल भी मेरे को मार रहे हैं, पागल है। तो यहाँ पे एक बार ऐसे झप देनी होती है, कभी कभार जैसे कहते हैं ना कोई सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, इट्स लाइक दैट। नहीं मैं तो भैया घी टेढ़ा कर दूंगा। भाई तेरी तो बात ही अलग है। और पतंग उड़ाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होती है अच्छी हवा। अभी इस पतंग के अंदर मेरे को थोड़ी सी कमी लग रही है। क्या? वो मैं आपको बताता हूँ।
ये देखो ये पतंग जो है झोल खा रही है। झोल मतलब? झोल मतलब जैसे आगे जाके एकदम से बैठ रही है ना, उसको कहते हैं झोल। तो उसके लिए ना हमारे को आगे से टाइट करना पड़ता है, एक नॉट और बांध दो पूरे के मांझे को खींच के, ताकि जो झोल है वो कम खाएगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे शोर कर रहे होंगे, वो खेल रहे हैं क्रिकेट फिलहाल। और अच्छा यार, सोसाइटी के पास में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा लगता है। तो चलिए एक बार हमने इसका झोल कर दिया है सेट, और अब देखते हैं झोल होता क्या। अब उड़नी चाहिए पतंग, ढील पूरी ढील वगैरह दिख रही है पूरी। देखो ऐसे तो मांझा खत्म हो रहा है पूरा, वाइट ट्रैपर आ रहा है नीचे, ठीक है। वहाँ फाइनली उड़ गई हमारी काइट। गाइस देखो वहाँ पे काइट अब पहुँच चुकी है, यहाँ पे खत्म होने वाली है ऑलमोस्ट एक रील। भैया सही उड़ा दिया आपने, थैंक यू। गाइस जो काइट है वो चुकी है फ्रेंड्स लाइव वहाँ पे, एंड आ जाओ भैया मैं उड़ाता हूँ, आ जाओ। ये ले मैं आप सेल्फ पे स्विच कर रहा हूँ। 1 2 कैसे 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 स्विच होगी? संभालो इसको, संभालो संभालो संभालो। अजी हाँ, तो ऐसे उड़ती है फ्लाइट, आपको थोड़ा सा और सिखा देते हैं और समझा भी देते हैं। सुबह से आपने तो उड़ा ली काइट, अब मैं आपको सिखाऊंगा उड़ाते कैसे हैं काइट। पतंग उड़ाने का सिंपल तरीका है, हवा जैसी मिलेगी आपको, जिस तरफ को आपका हेड अगर ऊपर को जा रहा है तो आप ऊपर की तरफ पे उसको पुश करेंगे काइट का ना। हाँ, अपनी तरफ पुल करेंगे तो वहाँ पे काइट है। तो जैसे नीचे आ रही तो नीचे को पुल नहीं करनी है, नीचे को पुल नहीं करनी है। अगर नीचे को पुल करोगे तो काइट नीचे को जाएगी, उसके लिए हवा होनी बहुत जरूरी है, इसलिए आपको ऊपर जाना पड़ा ऑब्वियसली। इसके अलावा भी आपके पास और भी दो तीन आइडियाज है ना, बहुत सारे उसके वीडियोस भी ऑन द वे हैं। एंड यस मेक श्योर टू सब्सक्राइब YPM व्लॉग्स एंड क्लिक द बेल आइकन, इनको भी सब्सक्राइब कर देना वीबीओ लाइफ को, ठीक है। और बंदे सोच भी नहीं सकते हमारे पास ऐसे ऐसे आइडियाज है, ठीक है। आप देखना थोड़ी बहुत अपकमिंग वीडियोस भी, सो इसलिए बोल रहा हूँ। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको आईडी स्क्रीन पे दिख रही होगी, एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ माय YouTube चैनल, ताकि आपको मिल जाए रेगुलर नोटिफिकेशन मेरे चैनल की। सो अब चलो काइट फ्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं इसको ढील, ऊपर खींच 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 खींच, इस टाइम पे आप अबे खींच जोर लगा के खींचनी है भाई, गिर जाएगी गिर जाएगी, पकड़ 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 पकड़, गिर जाएगी सही में, गिर जाएगी, पागल है। पतंग इस टाइम पे बिल्कुल नीचे जा रही है, ओह शिट गई, चली गई, हवा बिल्कुल डैम, पतंग मारी होगी क्रैश। विशाल भी को उड़ानी नहीं आई, उड़ान अरे पेड़ अब टक गई है भाई, पेड़ में टक गया, मान जा। अब कोई चांस, ये कैसे उड़ गई अच्छा। अजी हाँ गाइस, वी आर डन विद द काइट फ्लाइंग, एंड बहुत ज्यादा मजा आया। यहाँ पे आ चुका मेरा एक दोस्त, भाई क्या नाम है तेरा? रक्षित। और भाई कहाँ जा रहा था? कहीं नहीं, खेलने या वॉक करने? खेलने आया। अच्छा भाई, मजा आया पतंग उड़ाने में? भाई मजा तो आया, आया पसीने ज्यादा। गाइस ये पूरी आज की वीडियो पूरी आपने देखी काइट फ्लाइंग की, बताओ अगर वीडियो चली गई वीडियो को लाइक कर देना, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।